नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में अपन जानेंगे हॉज पिटिंग के बारे में कि हॉज पिटिंग होता क्या है। तो दोस्तों, फायर सर्विस में हॉज पिटिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। जहाँ पर भी कहीं पर भी आग लगती है, जिस जगह पर आग लगती है वहाँ पर आप सब में ज़्यादा पानी का उपयोग करते हैं, क्योंकि पानी जल्दी मिल जाता है और पानी सस्ता होता है। तो उस स्थिति में आप जब फायर फाइटिंग करते हो, आग को बुझाते हो, उस टाइम पर आपको सब में ज़्यादा जिस उपकरण की आवश्यकता पड़ती है वो हॉज पिटिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए अपन इस वीडियो में जानेंगे हॉज पिटिंग के बारे में। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही घंटी को दबाएँ, लाइक करें, और अगर वीडियो में कोई किसी प्रकार की गलती हुई है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। तो आइए, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि फायर हॉज पिटिंग के सारे उपकरण इसमें दिखाई दे रहे हैं। चाहे आप देख लीजिए कि आपको स्टेनर दिखाई दे रहा होगा, अडाप्टर दिखाई दे रहा होगा, इसके बाद में आपको कपलिंग, ब्रिचिंग, नोजल या ब्रांच, हॉज रैंप और सेक्शन रेंच, ब्लैंक कैप, यानी कि लगभग इसमें आपको हॉज पिटिंग के सारे उपकरण दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, हॉज पिटिंग होता क्या है? हॉज पिटिंग उससे कहा जाता है जैसे कि एक हॉज पाइप को दूसरे हॉज पाइप को एक हॉज पाइप को दूसरे हॉज पाइप से जोड़ने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे हॉज पिटिंग कहते हैं। जैसे कि पानी की स्रोत से पंपिंग मशीन तक और पंपिंग मशीन से आग के स्थान तक पानी ले जाने मैं जिस डिलीवरी हॉज पाइप का उपयोग किया जाता है उस हॉज पाइप को पिटिंग करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे हॉज पिटिंग कहते हैं। चाहे आप जैसा मान लीजिए कि डिलीवरी हॉज पाइप को हाइड्रेंट से कनेक्ट करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है, जो उसमें कपलिंग लगती है, उस कपलिंग को ही हॉज पिटिंग कहा जाता है। तो दोस्तों, हॉज पिटिंग को कितने भागों में बांटा गया है? हॉज पिटिंग को 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आता है अपना कपलिंग, नंबर 2 पे आता है ब्रांच या नोजल, नंबर 3 पे आता है ब्रिचिंग, नंबर 4 पर आता है अडाप्टर और नंबर 5 पे आता है मिसिनियंस। तो ये हैं हॉज पिटिंग के 5 भाग। हॉज पिटिंग को 5 भागों में बांटा गया है और अपन प्रत्येक भाग का संपूर्ण विस्तार से जानेंगे कि कौन से भाग में किस किस इक्विपमेंट को रखा गया है। हाँ, हर एक जितने भी भागों में हॉज पिटिंग को बांटा गया है सबको अलग अलग तरीके से बताया है। हर एक हॉज पिटिंग में सब अलग अलग पार्ट्स है, तो अपन सब पार्ट्सों के बारे में जानेंगे। कपलिंग को 2 भागों में बांटा गया है, नंबर 1 इंटरलॉकिंग कपलिंग और नंबर 2 थ्रेडिंग कपलिंग। तो दोस्तों, सबसे पहले लेंगे अपन इंटरलॉकिंग कपलिंग के इंटरलॉकिंग कपलिंग क्या होता है। तो इस प्रकार की कपलिंग को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। इंटरलॉकिंग कपलिंग को 3 भागों में बांटा गया है और सब में ज़्यादा इंटरलॉकिंग कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की कपलिंग को होज में पटाख से बहुत तेज़ी से जोड़ा जा सकता है और खोला भी जा सकता है, इसलिए सब में ज़्यादा फायर सर्विस में इंटरलॉकिंग कपलिंग का उपयोग किया जाता है। तो इंटरलॉकिंग कपलिंग को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पे आता है इंस्टेनियस कपलिंग और नंबर 2 पे आता है सियोर लॉक और नंबर 3 पे आता है लक्स। तो इन सारे चीज़ों के बारे में, सारे इक्विपमेंट के बारे में, तीनों पार्टों के बारे में अपन जानेंगे। इंस्टेनियस कपलिंग को 2 हिस्से होते हैं, इसमें एक हिस्सा होता है मेल कपलिंग का और दूसरा होता है फीमेल कपलिंग का। तो मेल कपलिंग में हॉज पाइप को बांधने के लिए खांचे वाले भाग होते हैं जिसको अपन टेल कहते हैं, और फीमेल वाले भाग में फिट होने वाले को लिप कहते हैं। फीमेल कपलिंग में हॉज पाइप को जोड़ने के खांचे वाली एक टेल होता है जिसमें मेल कपलिंग फिट हो जाती है, जिसमें लक्स को खींचने से ट्रिपलक स्प्रिंग होती है। इसको लक्स में खींचने में ट्रिपलक्स स्प्रिंग होती है जिसकी वजह से ये उठता है और लक्स के अंदर
स्प्रिंग के ऊपर स्टॉप नट होता है और इसके ऊपर मेटल डिस्क लगा होता है जिससे कि अपना फीमेल कपलिंग सॉरी जिसमें अपना मेल कपलिंग फीमेल कपलिंग में अंदर चली जाती है। जो टेल्प होता है उसके अंदर अपने जो लक्स होते हैं, लक्स में अंदर खांचे होते हैं, इन खांचों में जाकर अपना मेल कपलिंग फिट हो जाता है, इसलिए इसे इनस्टेनियस कपलिंग कहा जाता है। सब में ज़्यादा फायर सर्विस में उपयोग किया जाता है तो इनस्टेनियस कपलिंग का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये फटाक दहिए से फिटिंग हो जाती है, इसमें टाइम नहीं लगता है। ये होच को लिए अपनी मेल कपलिंग और फीमेल कपलिंग दोनों को लेकर आप तुरंत ही से जॉइंट कर सकते हैं। इसमें ना थ्रेड होते हैं ना कुछ होता है, इसको फटाक देंगे से अपन दोस्तों। इसके बाद में आता है अपना थ्रेडिंग टाइप कपलिंग। थ्रेडिंग टाइप कपलिंग क्या होता है कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि इसमें थ्रेडिंग टाइप कपलिंग क्या होता है। तो जिस कपलिंग में अंदर या बाहर थ्रेडिंग बना हो या चूड़ियाँ बनी होती है, थ्रेडिंग बनी होती है यानी कि आटे बनी होती है या चूड़ियाँ बनी होती है, उस टाइप की कपलिंग को अपन थ्रेडिंग टाइप कपलिंग कहते हैं। तो थ्रेडिंग टाइप कपलिंग को दो भागों में बांटा गया है, नंबर एक राउंड थ्रेडिंग और नंबर दो वी थ्रेडिंग। तो राउंड थ्रेडिंग क्या होती है और वी थ्रेडिंग क्या होती है? तो राउंड थ्रेडिंग जो है वो कपलिंग होती है जो जमीन इंच 4 इंच और 6 इंच डायमीटर वाले होज सेक्शन होज में और हर एक प्रकार के रैंप में इनलेट में इसका उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि 3 इंच डायमीटर, 4 इंच डायमीटर और 6 इंच डायमीटर वाले सेक्शन होज पाइप में इस प्रकार की कपलिंग का उपयोग किया जाता है। इसमें मेल कपलिंग भी होती है और फीमेल कपलिंग भी होती है। अब मेल कपलिंग और फीमेल कपलिंग को किस तरीके से पहचाना जाता है? तो मेल कपलिंग में ऊपरी भाग पर थ्रेडिंग होती है, ऊपरी भाग पर इसका थ्रेडिंग बनी होती है। थ्रेडिंग यानी कि राउंड बने होते हैं, चूड़ियाँ बनी होती है, तो इसे इस तरीके से पहचाना जाता है। और इसमें दो लक्स होते हैं, इस तरीके से भी इसको पहचाना जा सकता है। और फीमेल कपलिंग के अंदर गोल आटे बनी होती है, फीमेल कपलिंग के अंदर के भाग में चूड़ियाँ बनी होती है और इसमें 4 लक्स होते हैं, इस तरीके से इसको पहचाना जाता है। और दोस्तों राउंड थ्रेडिंग कपलिंग को कहीं पर भी उपयोग किया जाता है तो उसको टाइट करने या कसने खोलने के लिए रिंच का उपयोग किया जाता है, तभी राउंड थ्रेडिंग कपलिंग टाइट होती है। अपन जब भी कहीं पर भी टाइट करते हैं राउंड थ्रेडिंग कपलिंग को तो रिम्प रिंच का इसका उपयोग किया जाता है, जिससे कि अपनी मेल कपलिंग या फीमेल कपलिंग टाइट होती है। अधिकतर फीमेल कपलिंग को टाइट करने के लिए रेंच का उपयोग किया जाता है। तो ये हुआ अपना राउंड थ्रेडिंग कपलिंग। अब भी थ्रेडिंग कपलिंग, इस कपलिंग का उपयोग अडाप्टर लगाने के लिए, सब में ज़्यादा आइडेंट अडाप्टर और ब्रांच के ऊपर इस राउंड थ्रेडिंग कपलिंग का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसको भी वही सेम राउंड थ्रेडिंग कपलिंग जैसी सिस्टम में इसको भी कसा जाता है। तो ये हुआ है दोस्तों अपना पूरा कपलिंग के ऊपर का पार्ट एक कंप्लीट। आपने जो देखा है वो होच फिटिंग का एक भाग देखा है, इसको कपलिंग कहते हैं। अब अगली वीडियो में अपन देखेंगे कि ब्रांच और नोजल के बारे में, तो उस वीडियो में अपन सारे ब्रांच और नोजल के बारे में जानेंगे, चाहे वो हैंड कंट्रोल हो या नॉन कंट्रोल हो। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। धन्यवाद।